नशे के तौर पर अभी तक आपने सिगरेट, शराब और गांजा का ही नाम सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि तीन तरह के सांपों के अलग अलग जहर के जरिए भी नशा किया जा सकता है और यह नशा आपके शरीर के अलग अलग अंगों को नुकसान पहुंचाता है। अगर नहीं तो यही जानने के लिए जब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के फोरेंसिक मेडिसिन एंड टैक्सोलॉजी डिपार्टमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संगीता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सांपों का नशा दो तरह से किया जाता है। पहला, सांप कोई भी हो अगर उसका जहर निकाल कर लोगों ने पिया है तो वो एक प्रोटीन की तरह काम करता है जो पेट में जाकर पच जाता है और शरीर में एंटीबॉडी बनाता है। लेकिन अगर किसी के पेट में अल्सर जैसी बीमारी है तो उसके लिए ये जहर को पीना भी मौत का कारण बन सकता है। आखिर आज का जो युवा है किस तरह के जो सांप का नशा है वो किस तरह से कर रहा है और सांप के नशे का जो असर होता है शरीर पर वो कितना घातक होता है, यही जानने के लिए आज हम आ गए हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में। और हमारे साथ हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संगीता मैम, इनसे बात करते हैं। एक्चुअली अगर मैं बात करूँ स्नेक के लिए कि जो उसका वेनम होता है, मैं सबसे आपको मतलब ये मैं नहीं बताऊँगी कि नशे में क्या किया जाता है, मैं उसका बेसिस बताती हूँ कि अगर हम उसको बहुत लेमैन लैंग्वेज में अगर हम कहें जो स्नेक का वेनम होता है उसमें मेजर जो कंपोनेंट मतलब लगभग 20 कंपोनेंट्स होते हैं जो एक कॉकटेल होता है बेसिकली जो स्नेक का वेनम होता है। एंड मेन जो मेन पार्ट होता है दैट इज़ प्रोटीन। तो अगर हम लोग बहुत पहले सुनते थे कि बहुत लो डोजेस में हम वेनम को देते हैं शरीर में तो वो इंसान प्रोन हो जाता है स्नेक बाइट वगैरह से, उसका मैकेनिज्म ये होता है कि ये जो प्रोटीन हम लो डोजेस में देते हैं तो वो एंटीबॉडीज़ बनाती है हमारी बॉडी में, उसी बेसिस पे ही हम एंटी स्नेक वेनम जो हम बनाते हैं जो उसका मेडिसिन बनाते हैं वो इसका यूज़ है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करें अगर इसकी कि उसे ड्रग्स की तरह लोग यूज़ कर रहे हैं तो जो भी मैंने बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स उसके बारे में पढ़े तो ये केसेस न्यू नहीं है, आज आपकी न्यूज़ में आई है, लेकिन 1990 वगैरह में भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत ही हाई सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में देखा गया है ये, और उन लोगों में देखा गया है जो मल्टीपल ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ स्नेक वेनम को ही यूज़ कर रहे हो, मल्टीपल ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं उनमें ये पाया गया है। और अब आते हैं हम लोग कि ऐसे इफ़ेक्ट्स आते क्यों होंगे, तो अगर हम देखें जो हमारा जो मेन जब कोबरा की हम बात करें तो एक वो ऐसा स्नेक है जो जिसका जो कॉम्पोनेंट होता है वेनम का वो मेनली न्यूरोटॉक्सिन होता है, मीन्स हमारे ब्रेन नर्वस सिस्टम पर एक्ट करता है। तो उसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं लाइक अगर आप उसको लेंगे तो ब्लरिंग ऑफ विजन आएगा या थोड़ा बहुत फेशियल पैरालिसिस वगैरह भी होती है एंड नींद भी आती है उससे, तो माइट भी ये पॉसिबल कि अगर हम बहुत लो डोजेस में अगर वो ले रहे हो तो ये सारे सिम्टम्स उन्हें आते हों। और सेकेंड थिंग बहुत ही हानिकारक है ये, अगर मैं कहूँ तो हर बंदे पे इस स्नेक का वेनम का एक अपना अलग इफेक्ट आता है, तो ये हम नहीं इसको ड्रग्स रिक्रिएशनल ड्रग्स की तरह आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये जानकारी लोगों के पास जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चलो न्यूज़ में आ रहा है लोग उसे यूज़ कर रहे हैं बहुत लो डोजेस में यूज़ कर रहे होंगे और ये बहुत घातक है, मतलब बहुत सारे लोगों में डेथ भी देखा गया है। कोबरा में आते हैं तो इनका जो टॉक्सिन होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है, फिर अगर वही वाइपर्स की बात करें तो उनका जो टॉक्सिन होता है वो हीमोटॉक्सिन होता है, यानी हमारे जो ब्लड की क्लॉटिंग मैकेनिज्म है उनको डिस्टर्ब करता है। सी स्नेक्स वगैरह होते हैं वो मायोटॉक्सिन होते हैं यानी हमारी बॉडी के मसल्स पर एक्ट करते हैं, तो इस तरीके के ये तीन हमारे वेनम होते हैं। मैम मेरा एक सवाल ये भी था कि अगर इनका जैसे लोग प्रोटीन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं नशे का तो इनको असर मतलब कैसे नहीं कर रहा इनकी डेथ के, हमने प्रोटीन इंजेस्ट किया हमने अगर नॉर्मल अगर हम स्नेक वेनम को पी लें ना और हमारे जैसे इंटेस्टाइन में कोई अल्सर नहीं है कुछ नहीं है तो वो एज ए नॉर्मल प्रोटीन वो डाइजेस्ट हो जाएगा, उसका कोई इल इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर यही प्रोटीन आप इंजेक्टेबल फॉर्म्स में लें, ठीक है, तो इंजेक्टेबल फॉर्म्स में लेते हैं तब इसका हमें इफेक्ट देखने को मिलता है, अदरवाइज अगर हमने उसको इंजेस्ट किया तो इट इज़ जस्ट लाइक ए नॉर्मल प्रोटीन, इट विल गेट डाइजेस्टेड अनटिल अनलेस आपके अल्सर्स ना हो या कहीं कटा वटा ना हो। आप जब आप लोग इस पूरे लैब में हैं तो किस तरह के अनोखे नशे आपके लोगों के सामने आते हैं, जैसे एक सांप का लोगों को बहुत कम पता था अभी भी पता चल गया क्योंकि हाईलाइटेड हो गया, तो और अलग अलग तरह के नशे होते होंगे।
जो मोस्ट जो कॉमन हमें देखने को मिलता है वो तो अल्कोहल देखने को मिलता है, और सेकेंड अदर में जैसे कैनाबिस है, ये भी बहुत देखने को मिलता है। मैम एक बहुत पहले चला था जब पेन से कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो थिनर का इस्तेमाल करके लोग वाइट कलर का लगाते थे, लेकिन उसमें भी पता चला बाद में लोग उसका भी नशा करने लगे थे। हाँ, नशा तो वो लोग किसी भी चीज़ से कर लेते हैं। अब जैसे कि हाँ थिनर्स हैं, और जैसे अल्कोहल नहीं है तो स्पिरिट से आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे बहुत लोग स्पिरिट ही पी ले रहे थे, इस तरह के भी कभी कभी आ जाते हैं हम लोग के पास। और क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है, और उसका जो लेट कॉम्प्लिकेशन जिसको हम जो लीथल भी होता है ये कि ये आपका रेस्पिरेटरी अरेस्ट करता है, सब कुछ प्रॉब्लम करेगा, जो वो बता रही हैं वो बिल्कुल सही बता रही हैं, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि आपने उसको इंजेस्ट किया, अगर खाया और अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई अल्सर नहीं है, कुछ नहीं है, तो जस्ट नॉर्मल प्रोटीन की तरह डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो ब्लड सर्कुलेशन में हमारा किसी भी तरह से ब्लड सर्कुलेशन में अगर पहुंच गया, देन इट विल बी इट इज़ अ लीथल थिंग। तो सबसे बड़ी क्वेरी तो ये भी है कि ये मतलब ये वाला जो ड्रग है NDPS एक्ट के अंदर कवर भी नहीं होता है, वन ऑफ द जैसे बाकी सारे जो ड्रग्स हैं इट इज़ कवर्ड अंडर द NDPS एक्ट, लेकिन वेनम का तो कोई मेंशन है नहीं उस पर, इसलिए लोग इसको यूज़ भी करते हैं आई थिंक। प्रिय, फिलहाल इस मामले से जुड़े और भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे, तब तक जुड़े मेरे साथ। मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, न्यूज़ 18।